हेलो एवरीवन वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी तो अभी तक हमने जे एंड हिस्ट्री स्टार्ट करा था जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हिस्ट्री ऑफ लद्दाख पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ़ द सेशन दैट इज़ फाइव ये क्या पूछ रहा है हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश अट्रॉन्ग डायनेस्टी इन जम्मू ओके तो कौन से फर्स्ट रूलर हैं जिन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी जम्मू में देख लेते हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राजा मंगलचंद ऑप्शन नंबर बी दामोदर दत्त ऑप्शन नंबर सी राजा अजय सिंह या ऑप्शन नंबर डी राजा बोध अर्जुन तो क्या आंसर रहेगा इसका इसका आंसर रहेगा राजा बोध अर्जुन जो तो राजा बोध अर्जुन थे ही बेसिकली एस्टैब्लिश्ड स्ट्रांग डायनेस्टी इन जम्मू एंड राजा बोध अर्जुन जो थे ही बेसिकली बिलोंग टू राजा बोध डायनेस्टी ओके okay? तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये ही बिलोंग टू राजा राजा बोध डायनेस्टी ओके एंड इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे राम गुप्ता ओके लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज वॉज राम गुप्ता ओके okay, एंड एक और बात जब ये डायनेस्टी राजा बोध डायनेस्टी जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसमें क्या हुआ था कि इस डायनेस्टी के बाद ही जो जो भी किंग्स रहे हैं या उनके किंगडम्स रहे हैं उसका मेंशन क्लियरली राजदर्शनी में किया गया है एंड राजदर्शनी क्या है राजदर्शनी भी एक हमारी बुक है जिसमें हिस्ट्री ऑफ अपने जे एंड के में, की चीज़ें मेंशन की गई हैं ओके पर्टिकुलरली ऑफ जम्मू तो वो किसके द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है गणेश दास बदेरा ओके okay, तो राजदर्शनी की अगर बात करें एक, एक तो राजंगनी है जो कल्हाना ने लिखी है एंड एक है राजदर्शनी राजदर्शिनी जो किसके द्वारा लिखी गई है गणेश दास गणेश दास वदेरा ओके okay, तो इनके द्वारा लिखे गए फिर इस डायनेस्टी के बाद क्लियरली इन्होंने अपनी बुक में सारा मेंशन किया हुआ है कि इसके बाद कौन से किंग्स एंड जो भी किंगडम्स रहे हैं ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 522 ये क्या पूछ रहा है नेम द फाउंडर ऑफ द धर डायनेस्टी इन जम्मू ओके जो धर डायनेस्टी थी उनके एक फाउंडर का नाम पूछ रहे हैं ये देख लेते हैं ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए अजय धर ऑप्शन नंबर बी वज्र धर ऑप्शन नंबर सी कीरत धर या ऑप्शन नंबर डी सूरज धर तो इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा सूरज धर तो सूरज धर वॉज बेसिकली द फाउंडर ऑफ धर डायनेस्टी एंड बोला जाता है कि इनके टाइम पे एक मुस्लिम सेन थे जिनका नाम था पीर रोशन शाह वाली जो अरब से आए थे द ही विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग इसी इनके रूल में ही इस डायनेस्टी के रूल में ही द ही विजिट जम्मू ओके एंड इसके लास्ट लास्ट रूलर कौन थे लास्ट रूलर ऑफ दिस टेनेस्टी वॉज बजर तो मैं आपको बता देती हूँ एक मुस्लिम सेन थे एक मुस्लिम सेन थे पीर पीर रोशन शाह वाली तो बोला जाता है कि ही केम फ्रॉम अरब ही केम फ्रॉम अरब विजिटेड विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रूल ऑफ ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी ड्यूरिंग द रूल ऑफ धर डायनेस्टी ओके एंड इनके लास्ट लास्ट रूलर कौन थे धर डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे अपने बजर धर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री ये क्या पूछ रहे हैं विच रूलर ऑफ देव डायनेस्टी डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गजनी विद कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ तो कौन से रूलर थे देव डायनेस्टी से जो बिलोंग करते थे ही बेसिकली डिफीटेड मोहम्मद मोहम्मद ऑफ गजनी मोहम्मद गजनी को इन्होंने डिफीट करा था विद कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ्स के साथ देख लेते हैं ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए वजरदेव ऑप्शन नंबर बी भुजदेव ऑप्शन नंबर सी अवतार देव या ऑप्शन नंबर डी ध्रुव देव तो क्या आंसर रहेगा इसका इसका आंसर रहेगा अवतार देव अवतार देव कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे देव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड ही बेसिकली डिफिटेड मोहम्मद गजनी ओके एंड देव डायनेस्टी के अगर हम बोले फर्स्ट रूलर या फाउंडर वो कौन थे वो थे सूरज देव कौन थे सूरज देव वाज वाज फर्स्ट रूलर ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर ये क्या पूछ रहे हैं विच रूलर्स रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू ओके okay, तो कौन से रूलर्स हैं जिनका बोला जाता है उनका राज राज जब था इस जम्मू में तो उसको क्या बोला जाता है इज कंसीडर एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ उप जम्मू ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए गोगर्देव ऑप्शन नंबर बी जगदेव ऑप्शन नंबर सी दामोदर दत्त या ऑप्शन नंबर डी मलदेव तो क्या आंसर रहेगा इसका फाइव का इट विल बी मलदेव जो मलदेव हैं उनको बोला जाता है इनका पीरियड गोल्डन पीरियड बोला जाता है ओके एंड मलदेव की अगर बात करें तो बेसिकली uh, इनको बोला जाता है कि बेसिकली रेजिस्टेड इन्वेजन ऑफ तैमूर जो थे उनके इन्वेजन को इन्होंने रजिस्ट करा ओके okay? तो क्या क्या बोला जाता है इनके इनके एरा के टाइम पे क्या हुआ था क्या हुआ था इन्वेजन ऑफ तैमूर हैपेंड इन 1399 ड्यूरिंग हिज रेन ओके तो इन्वेजन ऑफ इन्वेजन ऑफ तैमूर हुए थे इनके डायनेस्टी में ओके okay? कब हुआ था वो हैपेंड इन थर्टीन नाइन्टी नाइन हैपेंड इन थर्टीन नाइन्टी नाइन सी ई ओके एंड बेसिकली ही रिजिस्टेड तिमोर इन्वेजन वेरी स्ट्रांगली ओके एंड दूसरा क्या है ही बेसिकली एस्टैब्लिश्ड जम्मू एज डोगरा कैपिटल ओके तो ही एस्टैब्लिश्ड ही एस्टैब्लिश्ड क्या एस्टैब्लिश करा इन्होंने जम्मू एज डोगरा कैपिटल डोगरा कैपिटल ओके एंड ऑल्सो इन बोला जाता है Dogra Capital. Dogra Capital. Okay, इन्हों बोल जा कि इन्होंने अपना एक पैलेस बिल्ड करा था दट एट पुरानी मंडी ओके okay, तो ही बिल्ट ही बिल्ट हिज पैलेस पैलेस एट पुरानी मंडी ओके तो ये इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव गेव शेल्टर टू तो विच सिख वॉरियर इन सेवनटीन जीरो थ्री ये भी देव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे तो इन्होंने कौन से सिख वॉरियर को शेल्टर दिया था देख लेते हैं ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए बंदा बहादुर ऑप्शन नंबर बी अवतार सिंह ऑप्शन नंबर सी जोरावर सिंह या ऑप्शन नंबर डी सदा कौर तो किसको दिया था इन्होंने इन्होंने कौन से वॉरियर सिख वॉरियर को दिया था बंदा बहादुर को ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बंदा बहादुर को इन्होंने ही बेसिकली गेव शेल्टर एंड हेल्प हिम टू राइज अगेंस्ट मुगल्स ओके मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने उनकी हेल्प करी थी ओके okay? तो किसके द्वारा दिया गया, गया था ये इट वॉज गिवन बाय शेल्ट वॉज गिवन बाय ध्रुव देव चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स ये क्या पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकली यूनाइटेड द थ्री रीजन दैट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इंटू प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओके तो ये जो तीनों रीजन है इनको यूनाइट करके एक जो स्टेट बनाई गई थी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो किसके द्वारा बनाई गई थी ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए महाराजा रंजीत सिंह ऑप्शन नंबर बी महाराजा हरि सिंह ऑप्शन नंबर सी महाराजा गुलाब सिंह या ऑप्शन नंबर डी दैट इज महाराजा रणबीर सिंह तो किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था एंड किसके अंदर इनको लीगली राइट्स मिल गए थे कौन सी ट्रीटी के अंदर इनको लीगल राइट्स मिल गए थे इनको जिन जिसके बाद उन्होंने प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जिसमें लद्दाख एंड कश्मीर भी इनको मिल गया वो किसके अंदर मिला था दैट वॉज ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड ऑन साइंड ऑन सिक्सटींथ मार्च एटीन फोर्टी सिक्स ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड जो हमारे जी एंड के का फर्स्ट लेजिस्लेचर था वो कौन से ईयर में इस्टैब्लिश हुआ था ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर एटीन नाइनटीन ए डी ऑप्शन नंबर बी एटीन नाइन टी एडी ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन थर्टी फोर ए डी या ऑप्शन नंबर डी नाइनटीन सेवनटी ए डी तो क्या आंसर आएगा इसका इसका आंसर रहेगा नाइनटीन थर्टी फोर ए डी ओके तो नाइनटीन थर्टी फोर ए डी में कौन रूल करते थे इधर

पहले जे एंड के स्टेट जब होती थी ना उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था ठीक है एंड क्या है इसमें एक और चीज़ है जो लेजिस्लेचर है ना जो लेजिस्लेचर को उस टाइम भी क्या है इट कंसिस्ट ऑफ पी एम एंड मिनिस्टर्स अपॉइंट और इसमें क्या क्या होते थे इसमें पी एम होता था एक एंड मिनिस्टर्स जो होते थे वो अपॉइंटेड बाय पी एम के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे उस टाइम पे जो टाइटल्स होते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था एंड दूसरा अपना सदर रियासत तो ये ये उस टाइम पर टाइटल्स चलते थे जो अब नहीं चलते है ना एंड उस टाइम पे जो असेंबली थी उसमें सेवेंटी फाइव मेंबर्स हुआ करते थे और असेंबली को क्या बोला जाता था असेंबली को क्या बोला जाता था असेंबली को बोला जाता था प्रजा प्रजा सभा ओके okay, क्या बोला जाता था प्रजा सभा बोला जाता था उस टाइम पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट ये क्या पूछ रहे हैं द राज तिलक ऑफ राजा गुलाब सिंह वॉज परफॉर्म बाय महाराजा रंजीत सिंह एड जो राज तिलक किया गया था राजा गुलाब सिंह जी का वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा वो कहाँ पर किया गया था ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जिया पोता टेम्पल अखनूर ऑप्शन नंबर बी अम्बारन पर जम्मू ऑप्शन नंबर सी अखनूर फोर्ट या ऑप्शन नंबर डी बागे बहू फोर्ट जम्मू तो कहाँ पर हुआ था ये कहाँ पर राज तिलक सेरेमनी हुई थी ये हुई थी जिया पोता टेम्पल एट अखनूर अखनूर कहाँ अखनूर इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड ये कहाँ पर था ऑन द बैंक ऑफ ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब राइट और ये कब हुआ था राज तिलक जो ये हुआ था ये कब हुआ था इट हैड ऑन सेवनटीन ऑफ जून सेवनटीन ऑफ जून एटीन ट्वेंटी टू एटीन ट्वेंटी टू तभी सतारह जून जो है जून सेवनटीन है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज राज तिलक दिवस हर साल क्या है जून सेवनटीन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सेलिब्रेटेड एज एज राज तिलक दिवस राज तिलक दिवस की तरह मनाया जाता है हर साल राइट और इसके बाद क्या हुआ था राज तिलक सेरेमनी हुआ क्या था राज तिलक सेरेमनी में उन्होंने महाराज महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह जी को क्या बना दिया गया था राजा ऑफ जम्मू ओके उनको क्या बना दिया गया था राजा ऑफ जम्मू राइट उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन ये क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर ओके तो कौन सी सेल डीड ऑफ कश्मीर किस को बोला जाता है ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए ट्रीटी ऑफ पंजाब ऑप्शन नंबर बी ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑप्शन नंबर सी ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ऑप्शन नंबर डी ट्रीटी ऑफ जम्मू तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज द राइट आंसर तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को और क्या बोला जाता है सेल डीड ऑफ कश्मीर और ये कब की गई थी कब साइन की गई थी अभी बताया मैंने आपको सिक्सटींथ मार्च एटीन सिक्स किसके बीच में की गई थी ब्रिटिशर्स एंड एंड महाराजा महाराजा गुलाब सिंह के बीच में हुई थी ये ओके ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स एंड महाराजा गुलाब सिंह के बीच में हुई थी एंड ब्रिटिशर्स ने बेसिकली कश्मीर को बेच दिया था दे बेसिकली सोल्ड कश्मीर टू दे बेसिकली सोल्ड कश्मीर टू कश्मीर टू गुलाब सिंह एंड कितने पैसे में सेवेंटी फाइव लाख सेवेंटी फाइव लाख नानक शाही रुपीस, ओके okay? तो किस किस के बीच में हुई थी एंड इट को किसने सेल किया था इट वाज सोल्ड बाय ब्रिटिशर्स टू गुरु महाराजा गुलाब सिंह एंड द अमाउंट दे पे ही पेड बेसिकली वाज सेवेंटी फाइव लाख नानक शाही रुपीस, ओके okay? तो ये है ट्रिटी ऑफ अमृतसर तो इसमें क्या हो गया था इसमें महाराजा गुलाब सिंह को लीगली राइट्स लीगल राइट्स मिल गए थे कहाँ किस किस के कश्मीर के फिर उसमें मैंने अभी जब लद्दाख की हिस्ट्री बताई तो उसमें मैंने बताया कि लद्दाख अपना गिलगित बल्तिस्तान वगैरह ये सारे एरियाज ये क्या थे ये अंडर गुलाब सिंह आगे एंड ही बेसिकली फॉर्मड जम्मू एंड कश्मीर राइट चलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इससे क्या हुआ था फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ था इसके बाद फाइव थर्टी फाइव थर्टी क्वेश्चन फाइव हंड्रेड एंड थर्टी क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं The Jhelum, the Jhelum Valley Road and Banihal Cart Road were built linking the erstwhile state of rest of India during the reign of ओके जेम झेलम वैली रोड और बनिहाल कार्ट रोड है ये जो बिल्ड किए गए थे किसके रेन uh, में किए गए थे किसका राज चल रहा था उस टाइम पे चलते हैं ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए रणबीर सिंह ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह या ऑप्शन नंबर डी हरी सिंह तो किसके रेन में हुआ था ये इट हैपेड इन इट हैपेंड इन किसके अंडर द रेन ऑफ प्रताप सिंह एंड प्रताप सिंह की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके रेन में वो देख लेते हैं एक तो ये है कि जो सर वॉल्टर लॉरेंस थे जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया था उनका नाम क्या था वॉल्टर लॉरेंस वॉल्टर लॉरेंस तो ही बेसिकली डिड वर्ट ही बेसिकली लैंड सेटलमेंट ऑफ द वैली के लिए इनको ब्रिटिशर्स uh, द्वारा वो कैच एज अ रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया था रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया था उनके द्वारा ठीक है नेक्स्ट दूसरा तो हमने ये पढ़ लिया कि वैली uh, किट रोड एंड रोड बनिहाल्टोड बिल्ट इनके इनके रेन में एंड uh, जो पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज पहले यूज की जाती थी ना उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय उर्दू पहले पर्शियन यूज की जाती थी लैंग्वेज फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे उर्दू से ओके okay? अच्छा एक और चीज़ जो अपना ये श्री प्रताप कॉलेज है श्रीनगर में है ना एंड इन्होंने ये बनाया श्री प्रताप कॉलेज बनाया एंड एक अपना प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो अपना ये साइंस कॉलेज है ये भी किसके द्वारा बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया है तो कौन कौन से आगे एक तो श्री प्रताप कॉलेज श्री प्रताप कॉलेज एंड एक दूसरा प्रिंस ऑफ वेल वेल्स कॉलेज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ये आगे अपने जम्मू में या आ गया अपना श्रीनगर में ओके okay, तो टेलीफोन लाइन भी इनके टाइम पे टेलीफोन लाइन भी इनके टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी टेलीफोन लाइन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर अच्छा जो अपना फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या नाम है उसका क्या नाम है मोहरा है ना तो वो भी इनके टाइम पे हुआ था एंड हाउस बोर्ड जो बनाई गई थी वो इनके टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट की गई थी फर्स्ट टाइम जो हाउस बोट थी जो हाउस बोट थी दैट वॉज दैट वॉज फर्स्ट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इनके रेन में ही फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टिव इनकी की गई थी हाउस बोर्ड की एंड बेगार सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था जो शंकर वर्मन थे उनके द्वारा ये बोला जाता है कि उन्होंने स्टार्ट करा था बट अबॉलिश किसने किया था प्रताप सिंह ने तो बेगार सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड राइट बेगार सिस्टम वॉज अपॉलिश्ड एंड uh, एक और मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था शायद हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में ही फर्स्ट क्वेश्चन था वो ऑलीवर्स एंड जॉन के बारे में जो मैंने बताया था ऑलीवर्स एंड जॉन जो थे क्या थे ही वॉज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट रेजिडेंट इन कश्मीर और वो इनके टेरेन में ही किए गए थे राइट एंड उसके बाद क्या किया गया था जम्मू जो था दैट वॉज लिव विद रेलवे लाइन टू सियालकोट जो जम्मू टू तो सियालकोट रेलवे लाइन बनाई गई थी वो इनके टाइम पे ही इनके टाइम पे ही बनाई गई थी ठीक है तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए आपको जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो आपको सारे जो आ, जो भी अपने इस जो राजा हैं एंड ऑल अपने जम्मू के है ना तो उनके बारे में आपको इस तरीके से पॉइंटर्स पढ़ने हैं ओके okay? तो उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने सारे पढ़ने हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड थर्टी वन द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू द नेचुरल बाउंड्री वॉज कौन से ऐसे इंडिया रूलर थे जिन्होंने अपनी जो फ्रंटियर्स थे ही एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू द नेचुरल बाउंड्री तो कौन थे वो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए गुलाब सिंह ऑप्शन नंबर बी रणबीर सिंह ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह या ऑप्शन नंबर डी हरी सिंह तो ही वॉज ही वॉज गुलाब सिंह ओके एंड गुलाब सिंह का टिन्य रहा है एटीन फोर्टी सिक्स से लेकर एटीन फिफ्टी सिक्स राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा ये मैच द फॉलोइंग आ गया देखते हैं इसको एक बार जूम करके तो ये क्या पूछ रहे हैं ओके तो ये इन्होंने अलग अलग अपने जो किंग्स हैं उनके नाम बताए हुए हैं एंड उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके हमें क्या करना तो है मैच करना है तो इसका आंसर रहेगा क्या फाइव हंड्रेड थर्टी टू का क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एक बार तो गुलाब सिंह ने क्या किया था गुलाब सिंह ही बेसिकली डिड वॉट ही रेगुलर ही रेगुलराइज्ड द शाली सिस्टम अब शाली सिस्टम क्या होता है शाली सिस्टम क्या होता था इसमें क्या होता था कि जो भी मनी लेंडर्स होते थे ना जिनसे लोग मनी उधार पे लेते थे पैसे तो उन वो क्या करते थे इस सिस्टम के अंदर जो भी फार्मर्स होते थे या जो भी उनके हार्वेस्ट होता था ना जो चावल के वो होते थे क्रॉप होता राइस क्रॉप जो होता था उसका जो हार्वेस्ट होता था ना वो सारा का सारा जो भी उनके वहाँ से फील्ड से जो खेत से निकलता था वो सारा डायरेक्टली सप्लाई कर देते थे कहाँ पर गोडाउंस ऑफ मनी लेंडर्स तो इन्होंने बेसिकली क्या किया गुलाब सिंह ने उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहा ताकि मनी लेंडर्स डोंट मनी लेंडर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए लोगों को ओके तो चलते हैं फिर दूसरा क्या है रणबीर सिंह रणबीर सिंह ने क्या करा सिविल एंड क्रिमिनल कोड ऑफ लॉ लाया उन्होंने रणवीर पिनल कोड जो पहले था अब तो वो हट गया तो क्या था पहले रणवीर पिनल कोड चलते हैं थर्ड पे थर्ड क्या है प्रताप सिंह प्रताप सिंह ने क्या करा स्टेट काउंसिल डेवलप करा ओके हरि सिंह ओके हरि सिंह ने क्या किया हरि सिंह ने लैंड एलिनेशन रेगुलेशन ऑफ 1993 को लाया ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड क्वेश्चन नंबर फाइव हंड्रेड एंड थर्टी थ्री ये क्या पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प दैन रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री महाराजा प्रताप सिंह इन एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट कॉलेज श्रीनगर इन नाइनटीन जीरो फाइव ओके तो किसने हेल्प करी थी अब उस टाइम जो रूलर थे श्री महाराजा प्रताप सिंह के बारे में जो हम भी बात कर रहे थे फर्स्ट कॉलेज इस्टैब्लिश करने के लिए ऑप्शन देख लेते ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन नंबर बी विवे एन डिराजियो ऑप्शन नंबर सी एनी बीसेंट या ऑप्शन नंबर डी मदन मह मदन मोहन मालवीय तो किसने हेल्प करा था उनका उनका हेल्प करा था

ड्यूरिंग द रेन ऑफ ओके तो ये किसके रेन में ये हुआ था अभी मैंने आपके बारे में आपको अभी ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया इसके बारे में इन्वेजन ऑफ तिमर के बारे में ऑप्शन देख लेते हैं ठीक है ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए राजा मलदेव ऑप्शन नंबर बी रंजीत देव ऑप्शन नंबर सी राजा हमीर देव या ऑप्शन नंबर डी राजा भीरम देव तो क्या आंसर रहेगा इसका 534 का 534 का आंसर रहेगा राजा मलदेव तो राजा मलदेव के टाइम पे दैट हु बिलोंग टू देव डायनेस्टी इनके टाइम पे क्या हुआ था इन्वेजन ऑफ तीमर हुआ था एंड दो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने जो अपने कैपिटल है उसको क्या कहाँ शिफ्ट कर दिया था जम्मू जम्मू कैपिटल उन्होंने जम्मू को उन्होंने कैपिटल बना दिया था अपनी डायनेस्टी में ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर वॉल्टर लॉरेंस फॉर लैंड सेटलमेंट ऑफ द वैली वॉज वैली वॉज डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महाराजा ओके अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि एक रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया था अपॉइंट किए गए थे यहाँ पर सर वॉल्टर लॉरेंस एंड वो किसके टेरेन में हुआ था किसके रेन में हुआ था महाराजा uh, देख लेते हैं ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए हरी सिंह ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर सी रणबीर सिंह या ऑप्शन नंबर डी गुलाब सिंह तो so, किसके किसके टेन्योर में ये हुआ था इट हैपन ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह तो so, क्या आंसर रहेगा महाराजा प्रताप सिंह इनके आ, जब ये राज कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था एक सेटलमेंट ऑफिसर वॉल्टर लॉरेंस थे उनको अपॉइंट करा था उनके टाइम पे क्या हुआ था ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया था they started, uh, कि वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर रहे थे एंड दैट uh, महाराजा डिडेंट लाइक दैट कि वो यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स बना मतलब अपॉइंट किए जा रहे हैं एंड ऑल तो ये बेसिकली ट्राई टू रिजिस्ट दैट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है अच्छा ये डायनेस्टीज़ हैं इनके नाम है ओके तो क्या क्या है डोगरा डायनेस्टी, दर अमन रेबेलियन गुलाब नामा ओके तो हमें बताने किस किन किन से रिलेटेड है देख लेते हैं ऑप्शन देख लो एक बार तो क्या आंसर रहेगा फाइव क्वेश्चन का इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं एक बार डोगरा डायनेस्टी क्या है डोगरा डायनेस्टी किससे है गुलाब सिंह से गुलाब सिंह के बाद ही डोगरा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी राइट उसके बाद क्या है दर उल अमन दर उल अमन क्या है किससे रिलेटेड है दर उल अमन रिलेटेड है रंजीत देव से जो रंजीत देव थे बेसिकली उनको बोला जाता है कि रंजीत देव जब यहाँ पर रूल कर रहे थे जम्मू में तो उस टाइम पे जम्मू को क्या बोला जाता था दर उल अमन दैट इज़ नोन एज ऑल्सो नोन एज अ बोर्ड ऑफ पीस ठीक है तो क्या बोला जाता था दरुल अमन का मतलब क्या है अबोर्ड ऑफ अबोर्ड ऑफ पीस तो उनके टेन्योर में जम्मू को क्या बोला जाता था दरुल अमन या अबोर्ड ऑफ पीस अच्छा रिबेलियन रिबेलियन किसको बोला गया ये बोला गया अपना मिया दीदू को अच्छा लास्ट क्या गुलाबनामा गुलाबनामा एक बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है कृपा राम के द्वारा ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स क्या हमारा दैट इज़ फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सेवन ये क्या पूछ रहे हैं हु इनिशिएटेड द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट हरी सिंह फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर ओके तो किसी ने किसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया था डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट हरी सिंह इन द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर देख लेते हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कादिर ऑप्शन नंबर बी शेख अब्दुल्ला ऑप्शन नंबर सी बी जी ग्लान से ऑप्शन नंबर डी चौधरी गुलाम अब्बास तो किसके द्वारा किया गया था ये ये किया गया था शेख अब्दुल्ला के द्वारा तो उनके द्वारा क्या गया था देव देवर अगेंस्ट हरी सिंह उन्होंने डेमांसट्रेशंस करा था अगेंस्ट हरी सिंह बिकॉज दे वॉन्ट दॉन्ट द पीपल ऑफ कश्मीर टू रूल कश्मीर दे वॉन्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर राइट तो उन्होंने क्या किया था ही बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने इनिशिएट करा था डेमांसट्रेशन अगेंस्ट हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर और टाइगर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है क्या बोला जाता है इनको शेर कश्मीर शेर कश्मीर दैट इज टाइगर ऑफ कश्मीर ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 538 ये क्या पूछ रहे हैं विच डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन अक्टूबर 1947 विद इंडिया ओके okay, तो कौन सा डोगरा रूलर ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन अक्टूबर 1947 विद इंडिया ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए महाराजा प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर बी महाराजा हरि सिंह ऑप्शन नंबर सी महाराजा गुलाब सिंह या ऑप्शन नंबर डी महाराजा रंजीत सिंह तो किसके द्वारा किया गया था ये ये किया गया था महाराजा हरि सिंह द्वारा एंड उसके बाद क्या, क्या क्या हुआ था जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया पहले इट वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट देन इट बिकेम आफ्टर साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन दैट टू ऑन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ऑक्टोबर नाइनटीन फोर्टी सेवन तो ये क्या बन गया था इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव हंड्रेड एंड थर्टी नाइन वेन वज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडेड टू इंडियन यूनियन तो कब ऐड किया गया था अभी मैंने बताया ये ऑप्शन देख लेते हैं ए ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन बी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट सी ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन या डी फिफ्टीथ ऑगस्ट नाइनटीन फोटी सेवन तो ये कब हुआ था इट हैपन इन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन और किसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर वॉज एडेड टू इंडियन यूनियन ओके चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन मैच द फॉलिंग आ गया ये देख लेते हैं एक बार इसमें किंग्स के बारे में बताया गया एंड उनके तेरे उनके जब वो राज करते थे तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात की गई है तो कौन कौन से किंग्स हैं दैट इज महाराजा गुलाब सिंह महाराजा रणवीर सिंह महाराजा प्रताप सिंह देख लेते हैं इसका क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तो गुलाब सिंह को किससे कर रिलेट किया हुआ है कि बेसिकली रिफॉर्म द लेबर सिस्टम राइट ऑप्शन नंबर बी दैट इज रणबीर सिंह रणबीर सिंह को किससे रिलेट किया गया ही इस्टैब्लिश्ड रघुनाथ टेम्पल एंड लास्ट इज़ प्रताप सिंह प्रताप सिंह ने क्या किया था ही इस्टैब्लिश कॉलेजेस एट जम्मू एंड श्रीनगर जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया क्या क्या नाम थे उन कॉलेजेस के श्री प्रताप कॉलेज एट श्रीनगर एंड प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन जम्मू राइट तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Okay then, thank you, bye bye, take care.